तो नेशन 360 डिग्री में शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। लखनऊ एयरपोर्ट पर धरने पर बैठे राहुल गांधी कह रहे हैं कि मुझे एयरपोर्ट से बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा। राहुल गांधी ने एयरपोर्ट पर पुलिसकर्मियों के साथ बहस की है। दरअसल राहुल अपनी गाड़ी से ले जाना चाहते थे और वो कह रहे हैं कि पुलिस उन्हें कहां ले जाएगी नहीं पता, इसलिए वो पुलिस व्हीकल में नहीं जाएंगे, वो अपनी गाड़ी में जाएंगे। और इसी मांग को लेकर, इस पूरी मांग को लेकर राहुल गांधी धरने पर बैठ गए। उनका कहना है कि पुलिस ने वहां पर, सुरक्षा कर्मियों ने वहां पर एयरपोर्ट पर राहुल से बदसलूकी की, बहस भी हुई है, वो तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। न्यूज़ स्टेशन संवाददाता राहुल गांधी की यात्रा में लगातार नजर बनाए रखे हैं। आप देखेंगे कि लखनऊ एयरपोर्ट के बाहर किस तरह से यहां पर बैठ गए हैं राहुल गांधी धरने पर अपने साथियों के साथ। और राहुल गांधी कह रहे हैं कि पुलिस कहां ले जाएगी नहीं पता, पुलिस पर भरोसा नहीं है और इसीलिए वो यहां धरने पर बैठे हैं। और वो कह रहे हैं कि मैं अपने व्हीकल से जाऊंगा। राहुल गांधी को पहले आपको बता दें कि राज्य सरकार ने इजाजत दे दी थी कि हर पार्टी के 5 प्रतिनिधित्व जो हैं वो पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जा सकते हैं। सच्चाई से डरते हैं, माइक ऊपर, हमने दिल्ली में जो सच्चाई है ना उससे डरते हैं। दिल्ली में आपको देखा है, आप बहुत सशन आराम से गाड़ी चला करके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, खुद आप ड्राइव करते हैं, हमने कई बार देखा है। तो यहाँ नहीं नहीं, यूपी में आता हूँ, यूपी में जब भी आता हूँ हमारी गाड़ी में जाते हैं जी। ये पहली दफा नहीं, ये कुछ ना कुछ बदमाश हटेंगे नहीं, डटे रहेंगे, सवाल नहीं उठता। ऐसा एयरपोर्ट पे बहुत देखने, बिल्कुल देखने को नहीं मिलता कि रस्सियां लगा करके एयरपोर्ट पे बैरिकेड किया जाए, वीवीआईपी को बैरिकेड किया जाए। दिस इज अनप्रेसिडेंटेड राहुल जी। इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ वीवीआईपी, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ वी आर नॉट बीइंग लेट आउट। दे सेड दैट दे आर गिविंग अस परमिशन, वेयर इज द परमिशन, लुक एट द परमिशन, दिस इज द परमिशन। राज्य मंत्री ये कहते हैं कि सुधर जाओ नहीं तो सुधार देंगे, और हरियाणा के मुख्यमंत्री कहते हैं जी। तो आप किस तरीके से देखते हैं, किसानों के साथ, कृषि प्रधान हिंदुस्तान है, क्यों आखिर किसानों को कुचला जा रहा है? कुचला जा रहा है, लूटा जा रहा है, और हर किसान ये समझता है कि सरकार उसको लूट रही है। हर किसान समझता है। सर, प्रियंका गांधी जी को भी 3 कानून बनाए हैं, किसके लिए बनाए हैं, क्यों बनाए हैं, हर किसान जानता है। सर, प्रियंका गांधी जी को भी 4 दिन अरेस्ट करके रखा, क्या वैसा ही सोच रहे हैं आपको भी अरेस्ट करके रखें? मुझे नहीं मालूम, कुछ फर्क नहीं पड़ता, करो अरेस्ट। जो परमिशन दिया है। अच्छा भैया, आप अब बाद में बात करेंगे। थैंक यू, थैंक यू। तो राहुल गांधी कह रहे हैं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, अरेस्ट करना है तो अरेस्ट कर लीजिए। और वो कह रहे हैं कि ये तरीका सही नहीं है, पुलिस कहां ले जाएगी मुझे नहीं पता। तस्वीरें आप देख रहे हैं लखनऊ एयरपोर्ट पर किस तरह से सुरक्षा घेरे के बीच राहुल जो है वो धरने पर बैठ गए हैं। यहां सवाल उठ रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर जो राहुल गांधी के साथ इस पूरी यात्रा में मौजूद रहे हैं, राहुल के पूरे काफिले के साथ चल रहे हैं, मोहित इस वक्त जुड़ चुके हैं, मोहित राज दुबे। मोहित, आपसे जानना चाहेंगे कि अब ये मामला जो है वो कैसे अब सुलझता हुआ आपको नजर आ रहा है? राहुल गांधी धरने पर बैठ गए हैं, प्रशासन की तरफ से किस तरह से उन्हें समझाने बुझाने की कोशिश है, या यही कोशिश है कि धरने पर बैठे रहे, लखीमपुर जा ही ना पाए? देखिए, राहुल गांधी का ऐसा एटीट्यूड है ही है। राहुल गांधी जब किसानों की बात करते हैं तो डट की बात करते हैं, और यही देखिए यहाँ पर वो दिखाई दे रहा है। वो कह रहे हैं कि मैं अपनी प्राइवेट गाड़ी से जाना चाहता हूँ, खुद की गाड़ी से जाना चाहता हूँ, तो आखिर यहाँ की सरकार उन्हें सरकारी गाड़ी में क्यों लेके जाना चाहती है? तो तमाम ऐसी बातें हैं जिसको लेकर राहुल गांधी अटैकिंग मुद्रा में, और कह रहे हैं कि किसानों के हित की लड़ाई वो लगातार लड़ते रहेंगे, यूं ही चलते रहेंगे। और सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि जो प्रशासन इसलिए उनको रोक रहा है क्योंकि वो सच बोलना चाहते हैं, और सच से जो है मौजूदा वक्त की सरकार डर रही है, इस वजह से इनको रोका गया। इस वक्त आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि राहुल गांधी जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष है वो यहाँ पे देखिए मौजूद हैं, उनके बगल में रणदीप सुरजेवाला आपको दिखाई देंगे। इसके अलावा जो है यहाँ पर देखिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पर मौजूद हैं, चरणजीत सिंह चन्नी जो पंजाब के मुख्यमंत्री है वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। इस वक्त आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, यहाँ पर देखिए कि राहुल गांधी बाहर जाने की कोशिश करें, इससे एक्सक्लूसिव तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि राहुल गांधी बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पर जो प्रशासन है यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि राहुल गांधी अब सीधे तौर पर अचानक उठे हैं यहाँ पे अनशन के बाद बाहर जाने के लिए, और यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या पुलिस प्रशासन उनको रोकता है कि नहीं रोकता है। राहुल गांधी का सीधे तौर पर यह कहना है कि उस सच की लड़ाई लड़ते रहेंगे, यानी कि पीड़ित परिवारों से मुलाकात करना चाहते हैं, पीड़ित परिवारों से मुलाकात के बाद जो है वो आगे की रणनीति बताएंगे। लेकिन इस वक्त आपको हम बता रहे हैं कि राहुल गांधी उठे हैं और वो उनको प्राइवेट गाड़ी में जो है जाने के लिए कहा जा रहा है। इस वहाँ पर देखिए जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं बाहर मौजूद हैं, भारी पुलिस व्यवस्था, भारी
जो है यहाँ पे मौजूद है राहुल गांधी बाहर जाते हुए। यहाँ पे देखिए धक्का मुक्की हो रही है, धक्का मुक्की होते हुए नजर आ रही है। नजर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं राहुल गांधी बाहर जा रहे हैं। राहुल गांधी लगातार राहुल गांधी से कहा जा रहा था कि वो सरकारी प्रोटोकॉल्स के हिसाब से चले, लेकिन यहाँ पर राहुल गांधी जो भारतीय जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो यहाँ पे पहुँच चुके हैं। लगातार नारे लग रहे हैं राहुल गांधी को लेकर। राहुल गांधी ने थोड़ी देर पहले न्यूज़ नेशन से बातचीत की, उन्होंने कहा कि हम डटेंगे, यूं ही लड़ाई लड़ते रहेंगे। और राहुल गांधी जो है इस वक्त जो है गाड़ी में बैठते हुए नजर आ रहे हैं। आपको हम दिखा रहे हैं कि राहुल गांधी एयरपोर्ट के अंदर थे, वहाँ पे वो अनशन पे बैठे थे और वो कह रहे थे कि जब तक उनकी बात मानी नहीं जाएगी वो यूं ही इसी तरीके से जो है किसानों की लड़ाई लड़ते रहेंगे, चाहे संसद के बाहर हो या संसद के भीतर हो। इस वक्त न्यूज़ नेशन ग्राउंड जीरो पे मौजूद है, न्यूज़ नेशन आपको बता रहा हूँ, दिखा रहा है कि किस रूप में लखीमपुर खीरी में जो हिंसा हुई है उसको लेकर कांग्रेस जो है किसान परिवारों से मिलने जाना चाहता है। और उसके पहले ही देखिए यहाँ पर देखिए धक्का मुक्की होते हुए आपको नजर आ रही है। राहुल गांधी आगे जाना चाहते हैं लेकिन उनको जो है यहीं पर रोका गया है। अब देखने वाली बात यही होगी कि क्या राहुल गांधी को आगे जाने दिया जाएगा कि नहीं जाने दिया जाएगा। इस वक्त आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि भारी पुलिस व्यवस्था यहाँ पे मौजूद है, पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पर जो है पैरामिलिट्री फोर्सेज के अलावा जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है वो यहाँ पे मौजूद है। पूरा स्कॉट कर लिया गया है राहुल गांधी को, राहुल गांधी को स्कॉट किया गया है। सिर्फ राहुल गांधी को ही नहीं बल्कि दो राज्यों के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और रणजीत सिंह चन्नी को भी यहाँ पे स्कॉट किया गया है। राहुल गांधी इस वक्त जो है प्राइवेट गाड़ी में बैठ रहे हैं और हम आपको दिखा रहे हैं कि राहुल गांधी के आगे का एजेंडा, आगे की रणनीति क्या होने वाली है। राहुल गांधी जो है यहाँ से सीधे जो है सीतापुर के रास्ते होते हुए लखीमपुर खीरी जाएंगे और वहाँ पर जिन किसानों की मौत हुई है, जिन प्रदर्शनकारियों की मौत हुई है, प्रदर्शन उनके परिवार वालों से मुलाकात करेंगे। और इस वक्त देखिए राहुल गांधी एक प्राइवेट गाड़ी में बैठ चुके हैं और इस गाड़ी में जो है जो राहुल गांधी की कोर टीम है वो भी बैठी हुई है और सीधे यहां से जो है वो रवाना होंगे। राहुल गांधी जो है एयरपोर्ट के अंदर अनशन पे बैठ गए थे, उनका ये कहना था कि जब तक उनको प्राइवेट गाड़ी नहीं मिलेगी यानी खुद की गाड़ी उनको नहीं मिलेगी वो नहीं यहाँ से हटेंगे ना हिलेंगे। और वही यहाँ पर नजर हुआ, यही यहाँ पर जो है हुआ कि राहुल गांधी को जब खुद की गाड़ी मिली तभी वो जो है एयरपोर्ट से बाहर निकले। और इस वक्त देखिए आपको हम बता रहे हैं और दिखा रहे हैं कि किस रूप में कांग्रेस का जो प्रदर्शन है, कांग्रेस की जो रणनीति है वो आगे चल रही है। प्रियंका गांधी को पहले ही हिरासत में लिया जा चुका है और प्रियंका गांधी के अलावा जो पुलिस प्रशासन जो सरकारी प्रशासनिक अधिकारी है उन्होंने सीधे तौर पर पॉलिटिकल पार्टी जो विपक्षी दल है उनको अनुमति दी है कि आप जाइए, अपने वहाँ पर डेलीगेशन के साथ, 5 लोगों के डेलीगेशन के साथ जा सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। जहाँ पे भारी भीड़ लखनऊ के एयरपोर्ट पे भारी भीड़ हमें दिखाई दे रही है, यहाँ पे पूरी छावनी में यहाँ पर जो है तब्दील कर दिया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि राहुल गांधी की जो प्राइवेट गाड़ी तो है लेकिन बकायदा प्रोटोकॉल के साथ जो है राहुल गांधी जाएंगे। यहाँ पर लखनऊ पुलिस की जो है जीप यहाँ पे मौजूद है, इस वक्त आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं और पूरे प्रोटोकॉल कॉन्वे के साथ जो है राहुल गांधी यहाँ से निकलेंगे और राहुल गांधी जाएंगे। तो इस वक्त ही हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस रूप में, किस तरीके से राहुल गांधी यहाँ से निकलने वाले हैं। फिर से आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं, हमारे वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश कुमार आपको दिखा रहे हैं कि राहुल गांधी किस रूप में, किस तरीके से आगे जा रहे हैं। उनके साथ जो उनके पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो भी मौजूद हैं यहाँ पर, वैजू उनके यहाँ पर रणदीप सिंह सुरजेवाला देखिए दूसरी गाड़ी में। रणदीप जी आप लोगों की इजाज़त मिल गई जाने के लिए? मुझे बेटा इसमें बैठ जाना, बदतमीजी की हद है। आपका पीछे बैठना, हाँ प्लीज। पुलिस बदतमीजी पर उतर आई है तो देखिए यहाँ पुलिस के रवैये पे सवाल उठाते हुए नजर आ रहा है रणदीप सुरजेवाला। यहाँ पर देखिए जो लखनऊ की जो पुलिस है वो सीधे तौर पे उनको रवाना करने में लगी हुई है। सीधे तौर पे लखीमपुर खीरी आप लोग जाएंगे? सीधे लखीमपुर जाएंगे आप लोग? निखिल जी लखीमपुर? अरे भैया तो देखिए यहाँ से जो राहुल गांधी की कोर टीम है, कोर कमेटी हो यहाँ पे बैठ चुकी है और यहाँ से सीधे जो है ये लोग रवाना होंगे। हम रणदीप सुरजेवाला को दिखा रहे हैं इस वक्त जो है राहुल गांधी की ठीक जो पीछे की गाड़ी है रणदीप सुरजेवाला उसमें बैठे और एक बार फिर से हमको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो है राहुल गांधी के साथ जो है भूपेश बघेल बैठे हुए हैं, भूपेश बघेल के साथ जो है चरणजीत सिंह चन्नी बैठे हुए हैं और ये गाड़ी सीधे जो है आगे बढ़ चुकी है।
सीधा एजेंडा है कि जो पीड़ित परिवार है उनसे मुलाकात की जाए और उस मुलाकात के बाद जो है आगे की रणनीति को तय किया जाए। और यहाँ पर देखिए अखिलेश प्रताप सिंह जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नेता हैं वो भी यहाँ पे मौजूद है, वो भी यहाँ पर यहाँ से जाने की कोशिश में लगे हुए जो है। तो कुल मिला के देखिए लगातार राहुल गांधी जो चाहते थे वही हुआ, उनको प्राइवेट गाड़ी चाहिए थी, प्राइवेट गाड़ी मिल गई है। अब आगे की रणनीति आपको हम बता रहे हैं कि सीधे यहाँ से राहुल गांधी लखीमपुर खीरी जाएंगे, वहाँ पे पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे, प्रियंका गांधी से भी मुलाकात करेंगे, उनका कार्यक्रम है। लेकिन इससे कांग्रेस को हासिल क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि विधानसभा चुनाव 2022 में है और विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस अपनी सियासी जमीन को और मजबूत करना चाहती है किसानों के बदले। और आपको ये भी एक खबर दे दें कि थोड़ी देर पहले जो पुलिस प्रशासन ने सीधे तौर पर बात कही कि आपको सरकारी गाड़ी में ही हम जाने देंगे, तो राहुल गांधी अनशन पर बैठ गए थे, ठीक अंदर पर बैठ गए थे, हम वही मौके पर मौजूद है। और देखिए राहुल गांधी का जो काफिला है एक एक करके गाड़ी यहाँ पर से निकलती हुई नजर आ रही है, सबसे अंतिम में एम्बुलेंस भी यहाँ से जा रही है। तो इस वक्त आपको हम तस्वीरें ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो है राहुल गांधी यहाँ से निकल रहे हैं और यहाँ से सीतापुर होते हुए लखीमपुर खीरी जाएंगे। आगे का जो रास्ता है आपको बता दें कि राहुल गांधी का जो है वो सीधे तौर पे पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने का है, लेकिन मुलाकात के बाद क्या वो भी वहाँ पे अनशन में बैठेंगे, एक सबसे बड़ा सवाल होगा। राहुल गांधी की अगली रणनीति यही है कि कृषि कानूनों के खिलाफ, जो नए कृषि कानून बनाए गए हैं उसके खिलाफ और जो लखीमपुर खीरी के भीतर हिंसा हुई है उसके खिलाफ जो है लगातार इसी तरीके से धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। जी जी बिल्कुल, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस तरह से अब यह काफिला निकल रहा है। मोहित, आप बेहद आपने लगातार पल पल की हर तस्वीरों को सबसे पहले न्यूज़ नेशन के दर्शकों तक पहुंचाया और तमाम नेताओं से बातचीत करने की भी कोशिश की है। पुलिस पर बदतमीजी का आरोप लगा रहे हैं रणजीत सुरदेवाला, वो कह रहे हैं कि यहाँ बदतमीजी हो रही है, उनके साथ बदसलूकी हो रही है। यहाँ पर मोहित, प्रशासन के स्टैंड में, सरकार के स्टैंड में भी चेंज आया है, वो नहीं चाहते हैं कि इस मामले को और ज्यादा तूल दिया जाए, इस मामले को और ज्यादा हवा दी जाए कि किसी भी तरह से धरने पर या फिर इस तरह के अनशन की बात ना कर सके। अब पीड़ित परिवार से जल्द मिलवाकर राहुल और प्रियंका को और दूसरे विपक्ष नेताओं को मामले को शांत कराया जाए, क्योंकि जितना रोकेंगे उतना ये मामला तूल पकड़ेगा। प्रशासन को यह समझ में आ गया है और इसीलिए अब वो राहुल की मांग हो या प्रियंका की मांग हो या दूसरे विपक्षी दलों की, उनके हिसाब से चल निकले। जी पिनाज, आपने मुझसे सवाल किया। जी जी, मैं कहूंगी अब प्रशासन समझ चुका है कि कांग्रेस इस मुद्दे को लंबा खींचने की तैयारी में है। जी तो ऐसे में वो मौका नहीं देना चाहते हैं और चाहते हैं कि जल्द जी बिल्कुल पिनाज, आपने बिल्कुल बोलिए जी पिनाज, आपने बिल्कुल सही बात कही है। प्रशासन और जो है यहाँ पे अधिकारियों को ये पता चल चुका है, खासतौर पे उत्तर प्रदेश सरकार को ये पता चल गया है कि इस मामले को जितना खींचेंगे उतनी ज़्यादा सियासत होगी और जब सियासत होगी तो सियासी जो विपक्षी दल है उनको फायदा होना लाजमी है। तो ऐसे में जो है तुरंत आनंद फानन में फैसला किया गया कि राहुल गांधी जो चाहते हैं उसके हिसाब से उनको यहां से जाने दिया जाए। और जैसे ही उनको जाने की इजाज़त मिली राहुल गांधी तुरंत एयरपोर्ट से उठे और बाहर निकल गए। और इस वक्त आपको फिर से तस्वीरें दिखा रहे हैं कि काफिला जो है राहुल गांधी का बहुत बड़ा है। उनके साथ आपको फिर से एक बार बताते हैं अपने दर्शकों को कि राहुल गांधी जिस गाड़ी में बैठे हैं उसमें दो राज्यों के मुख्यमंत्री भी बैठे हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी। हमने दोनों ही मुख्यमंत्रियों से एक्सक्लूसिव बातचीत की, उनका सीधे तौर पर कहना है कि हम पीड़ित परिवारों से जाके मुलाकात करेंगे, उनको मुआवजा देंगे, जो भी उनको मदद की जरूरत होगी हम वो मदद मुहैया करवाएंगे। लेकिन कुल मिलाकर देखिए पॉलिटिकल पार्टीज जब वहां पे पहुंचेंगे, राजनीतिक दल वहां पे पहुंचेंगे तो निश्चित तौर पे राजनीति होना तो लाजमी है ही है। लेकिन राहुल गांधी जब लखीमपुर खीरी पहुंचेंगे वहां पर पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे तो क्या क्या बातें करेंगे इस पर हमारी नजर बनी रहेंगी। क्या वो प्रियंका गांधी से भी मुलाकात करेंगे और वहां पर जिस तरीके से एयरपोर्ट के भीतर उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा, उन्होंने कहा कि जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं हो जाते और तब तक और जब तक जो है लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के बाद जिन किसानों की मौत हुई उनको इंसाफ नहीं मिल जाता, वो इसी तरीके से लड़ाई लड़ते रहेंगे। जी पिनाज, इस तमाम अपडेट के लिए लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। और यहां पर अब आगे का घटनाक्रम क्या होता है, क्योंकि सरकार भी समझ चुकी है, प्रशासन भी समझ चुका है कि जितना रोकेंगे जितना दबाएंगे मामला उतना ज्यादा तूल पकड़ेगा और गरमाएगा, और इसीलिए अब सभी नेताओं को मिलने की इजाजत दी जा रही है और जल्द से जल्द इस मामले को यहां पर इस मुलाकात के बाद अलग तरीके से यहां पर सरकार डील करना चाहती है। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन इस बड़ी खबर पर, क्योंकि आज का घटनाक्रम जब राहुल और प्रियंका पहुंचेंगे लखीमपुर तो वहां क्या कुछ हलचल होगी, क्या कुछ बयानबाजी होगी, लगातार ग्राउंड जीरो से न्यूज नेशन की टीम आपको हर खबर सबसे पहले पहुंचाती रहेगी।
तो लखनऊ एयरपोर्ट पर धरने के बाद राहुल गांधी की मांगें मान ली गई हैं। लखनऊ पुलिस ने उन्हें एक प्राइवेट व्हीकल मुहैया करा दिया है, क्योंकि राहुल ने साफ कह दिया था कि वो नहीं जाएंगे पुलिस के व्हीकल में। उन्हें भरोसा नहीं है कि वो व्हीकल उन्हें कहां ले जाएगा, और उन्होंने कहा था कि उन्हें प्राइवेट गाड़ी, अपनी गाड़ी से जाने की इजाजत मिले। और अब पहले वो सीतापुर अपनी बहन से मिलेंगे, प्रियंका गांधी के पास जाएंगे, और फिर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों मिलकर लखीमपुर जाएंगे। जिस तरह से सीतापुर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बाकायदा टेंट लगाकर खाने पीने का इंतजाम कर वहां पर डेरा डाल दिया है, उससे साफ लग रहा है कि कांग्रेस जो है इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती है, वो इस मुद्दे को पकड़े रहना चाहती है। और इस मुद्दे पर उत्तर प्रदेश के चुनावों में इस मुद्दे के बिना पर सियासी इसको मुद्दा बनाकर अपनी पार्टी के लिए जनाधार हासिल करना चाहती है, खासतौर से गांव कस्बों के बीच में। यहां पर राहुल और प्रियंका जितने एग्रेसिवली इस मुद्दे पर यहां पर लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं, अगर देखा जाए तो दूसरी विपक्षी पार्टियां कांग्रेस से थोड़ा पीछे ही नजर आती हैं। लेकिन यहां पर अब राहुल गांधी की मांग मान ली है सरकार जो है, उसने भी अब अपना स्टैंड समझ लिया है कि देखिए कि यहां पर हम बैकफुट पर आने वाले नहीं हैं, हमने अपने नेता, उनके बेटे, उनके बारे में जो भी रोल है वो समझ लिया है, और इसीलिए अब छुपाने को कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जहां पर हमें बैकफुट पर जाना हो हम हर तरह की जांच के लिए तैयार हैं। और उसके बाद यहां पर वो विपक्षी पार्टियों को भी पूरी इजाजत दे रहे हैं कि मिलिए, क्योंकि सरकार को भी समझ में आ गया कि अगर यहां पर किसी को मिलने जुलने से रोका जाएगा तो शक, शुबा, सवाल पैदा होंगे, मामला और ज्यादा तूल पकड़ेगा, मुद्दा और ज्यादा गरमाएगा। उससे अच्छा है कि सबको मिलने की इजाजत दी जाए, उनकी मांगे मानी जाए, और उसके बाद जो भी है, जिस भी तरह की जांच हो, एक मैसेज जाए कि सरकार जो है कुछ भी छुपा नहीं रही है और किसानों के साथ हर तरह की जांच के लिए खड़ी हुई है। तो यहां पर अब देखिए कि राहुल गांधी जो है वो निकल चुके हैं। राहुल गांधी सीतापुर होते हुए लखीमपुर जाएंगे, लखीमपुर उनके साथ प्रियंका गांधी भी होंगी, यहाँ पर पंजाब के मुख्यमंत्री उनके साथ हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री उनके साथ हैं, रणजीत सुरजेवाला उनके साथ यहाँ पर मौजूद हैं, और वो अपनी कोर टीम के साथ यहाँ पर निकले हैं। आपको बता दें कि बघेल को उत्तर प्रदेश का प्रभारी भी, वरिष्ठ पर्यवेक्षक भी बनाया गया है, तो यहाँ पर उनकी मौजूदगी भी यहाँ पर नजर आ रही है। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे इस बड़ी खबर पर, पल पल की नजर बनी हुई है।